presented by Signature Global Park. Independent floors for the independent you. Co-presented by Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule. जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा. Co-powered by राकेश मसाले. असली स्वाद बांटने से बढ़ता है. Associate sponsor मुल्तानी कुका कफ सिरप. सभी प्रकार की खांसी में दे तुरंत आराम. बल्कि साफ होवेगी विधानसभा चोणां दी तस्वीर. सवेरे 8 बजे तो शुरू होवेगी वोटां दी गिनती. 5 सूबियां दी सरकार दा होवेगा फैसला. गिनती लई तैयारियां कीतियां गईयां मुकम्मल. प्रितपाल सिंह बलियेवाल दा वड्डा दावा. ट्वीट कर कांग्रेस दे आप नूं निशाने ते लिया. कहा वड्डे झटके लई तैयार रहन विरोधी धिर. ट्वीट च सिसवा फार्म हाउस पार्टी दी वीडियो कीती सांझी. नतीजियां तो पहला रिलैक्स मोड च नजर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह. सिसवा फार्म हाउस पार्टी दौरान कैप्टन ने गाई गजल. सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए सुखवीर सिंह बादल. पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी नाल रहे मौजूद. चोणां दे चंगे नतीजे लई कीती अरदास ते बेनती. राणा गुरजीत सिंह दियां वधियां मुश्किलां. हाईकोर्ट वल्लों कांग्रेसी आगू खिलाफ एसएसपी नूं निर्देश जारी. 3 हफ्तियां च स्पीकिंग आर्डर देण दे दित्ते निर्देश. आप आगू मंजू राणा दी शिकायत ते कीती कारवाई. सत श्री अकाल, मैं हां परविंदर कौर. इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है ते खबरां विस्तार नाल. ईवीएम च कैद होई उम्मीदवारा दी किस्मत. नतीजिया नूं लै के तैयारियां मुकम्मल. पलके आउणगे चोणां दे नतीजे. पलके होवेगा पंजाब दी किस्मत दा फैसला. दस मार्च जो खास दिन है पलके उम्मीदवारां दी किस्मत दा. नतीजिया नूं लै के जो तैयारियां है उन्हां दा कल नतीजा सामने आएगा. 2022 दी जां गिनती दी सारी तैयारियां मुकम्मल कीतियां जा चुकियां ने. साढ़े गुरदासपुर जिले के 7 विधानसभा हल्के ने. सत्तां दी जिहड़ी काउंटिंग है वह इसे वेन्यू सुजिंद्रा कॉलेज विखे होएगी. काउंटिंग लई काउंटिंग हाल सारे तैयार हो गए ने. काउंटिंग वास्ते जिहड़े प्रबंध ने जिवें कि ईवीएम काउंटिंग, पोस्ट बैलेट काउंटिंग, ईटीपीवीएस स्कैनिंग, ये सारे सिस्टम इंस्टॉल हो चुके ने. स्कैनिंग डिवाइस जिहड़े ने साढ़े वो चालू हालत च ने. प्रॉपर टेबल लग चुके ने. सारा जिहड़ा साडा अरेजमेंट है मुकम्मल हो चुके है. जो साडा सिस्टम है कि काउंटिंग सही 8 बजे शुरू हो जानी है. पहला पोस्ट बैलेट काउंट होने शुरू होने हैं और नाल ही स्कैनिंग शुरू हो जाने. आप प्री काउंटिंग कहने हैं. तो जो साडे काउंटिंग स्टाफ है वो 6 बजे इतने आ जाएगा. कैंडिडेट साहबान भी रिक्वेस्ट है भी 7 बजे तक अपने अपनी उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स वो पहुँच जाए. कैंडीडेट्स के लिए पार्किंग का अरेजमेंट गेट नंबर 3 तो किया गया. उत्थे उन्होंने इलेक्शन एजेंट या कैंडीडेट की गड्डी खड़ी सकती है. अगे वो आ सकते हैं. जिहड़े काउंटिंग एजेंट्स ने उन्हों का अरेजमेंट बिल्डिंग के बाहर विशेष पार्किंग बना के किया गया और हर स्थान के उपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं जिदे नाल साडा जिहड़ा सिस्टम है सही तरीके चलता रहे. और असी ये अपील करते हैं कि एक तो इलेक्शन के रिजल्ट डिकलेयर होने तो बाद कोई विक्टरी प्रोसैशन अलाउड नहीं है. यदि सख्ती पालना की जाए. इस प्रकार जो रिजल्ट डिकलेयर होंगे तो केवल 2 बंदे ही सर्टिफिकेट लैन लिए आने. किसी भीड़ में उत्तर अलाउ नहीं किया जाएगा. ये इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्ट शर्तं ने. काउंटिंग का सारा प्रबंध जो मानयोग चोन कमीशन हदायतों ने अनुसार मुकम्मल कर दिया गया है. सारे स्टाफ ने पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है. काउंटिंग एजेंट्स वास्ते प्रबंध किए गए हैं. सैनिटेशन का, बाथरूम का, पीने वाले पानी का पूरा प्रबंध कर दिया गया है. तो साड़ी जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है कि कल असी समय सिर अपनी काउंटिंग शुरू करके और जल्दी जल्दी रिजल्ट कढ़िए. ईवीएम च उम्मीदवारां दी किस्मत कैद होई ते नतीजियां नूं लै के तैयारियां मुकम्मल कीतियां गईयां ने. दिन चढ़दे ही सारयां नूं नतीजियां दा बहुत बेसब्री नाल इंतजार है.
कल चोणां दे नतीजे भलके आणगे पंजाब दी किस्मत दा होवेगा फैसला। मानसा जिले की तीन असैम्बली कंस्टिट्यूएंसीज हैं और तिना की काउंटिंग सारी नेहरू मेमोरियल कॉलेज इकट्ठी हो रही है। हॉल तीन तीन अलग अलग हॉल है, उसे हर तरह के असि पूरे मुकम्मल प्रबंध जो कर रहे हैं। ईवीएम की काउंटिंग 14 टेबल हो गए, पोस्टल बैलेट पेपर की जिन्नी आई है उस 4 टेबल होंगे या 3 टेबल होंगे। वो असी काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट एंड माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं। इन्होंने पूरी अच्छी तरह से ऐसी ट्रेनिंग दी हुई है ताकि उन्होंने काउंटिंग करने किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो अभी हर तरह के प्रबंध किए हुए हैं, लोड़ीदे प्रबंध, जिसे ना कि साड़ी काउंटिंग बड़ी ही पीसफुल होगी और जी ट्रांसपेरेंट भी होगी। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग बूथ है, तकरीबन 14-15 बूथ बनते हैं। एक राउंड एक बारी 14 टेबल निकल जाते हैं। किसी भी काउंटिंग तुम्हें पता बूथ जात घट वो एक अद्धे राउंड का फर्क पेगा। तो असं आस करते हैं भी जल्द तो जल्द असं जरा सही तरीके रिजल्ट कढ़ सकीए। असं पूरे अरेजमेंट किए हुए हैं, एक असं कंप्यूटराइज सिस्टम होएगा सारा ऑन सॉफ्टवेयर है, वो हर राउंड वाइज असं फीड करते रहेंगे। वो जी है तुम भी हर कोई भी बंदा जो है ईसीआई की साइट तो जाके राउंड वाइज रिजल्ट देख सकता। आप वर्कर मोहिंद्रा कॉलेज इकट्ठे बैठे तो उन्होंने वड्डी गिनती च इकट्ठे हो के आपस गलबात की। ईवीएम मशीनों का जो निरीक्षण किया गया, स्ट्रोंग रिसम का किया गया दौरा। पटियाला सीट तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजीतपाल कोहली साढ़े नाल है। कुछ समय रह गया है जिहड़ा ईवीएम मशीन जी तकदीर है जिहड़ा फैसला होना बाकी है। पटियाला तो की उम्मीद है सर? तुहानूं तां मैं शुरू तो ही महीने तो ही कहिंदा आ रहा कि असी हैंडस डाउन जितांगे। असी बहुत सोहनी जिहड़ी है सानू लीड मिलेगी पटियाले तो, क्योंकि लोगों ने दोनों पार्टियां नूं अजमा के देख चुके। दोनों पार्टियां ने जिहड़ा हैगा लोगों नूं जिहड़ा है दवलिया, कुचलिया, कुटिया, लुटिया, मूर्ख बना के रखे। अज उस चीज़ का आवाम जी है वो जवाब दे रही है जी। थोड़े सामने आ जाएगा एग्जिट पोल जो दस रहे हैं, उस तो भी वध चढ़ के मैंडेट पार्टी मिलन जा रहा है। अजीतपाल जी, समा घट रह गया, मन दे विच किदा दा विचार आ रहे हैं, दिल दे विच किदा दा हो रहा है, क्योंकि पटियाला सीट तो हमेशा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जीतते रहे हैं, की लगता सर? कोई विचार है ही नहीं, किसी तरह की उत्तेजना तो कोई है ही नहीं। चढ़ती कला च रहने वाले बंदे हैं जी असी, जो राज दे तक वन उड़ाई जे भीख मंगाए तो क्या घट जाइए, तो परवरदगार की रहमत सदका जो है वो है, कोई टेंशन नहीं। कितने ना कितने हरेक उम्मीदवार अपनी अपनी जित का जो दावा है ठोकता नज़र आ रहा है, लेकिन फैसला कल जो भी मशीन च कैद हैगा वो कल दसिया जाऊगा कि पटियाला सीट किसके हक के आती है। कितने ना कितने देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के जोड़े प्रधान ने पंजाब के भगवंत मान इतने पहुँचने वाले, तो उस तो पहले जो वर्कर ने आम आदमी पार्टी के काफ़ी भीड़ देखने मिली है। पुलिस वालों समझाया गया, समझा के बाहर जिहड़ा इन्हों जिहड़ा महिंद्रा कॉलेज इस तो बाहर बिठाया गया। तो कितने ना कितने हुण देखना होगा, थोड़ी देर के बाद भगवंत मान आते हैं तो भगवंत मान की कहें, लेकिन कितने ना कितने अपनी जित का दावा है पटियाला तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अजीतपाल कोहली वो ठोकते नज़र आ रहे थे, लेकिन देखना कल होगा कि नतीजे कि हक के आने। पटियाला का कैमरामैन साहिल के अविनाश कंबोज, इंडियन। नतीजिया तो पहला दलजीत चीमा का बयान सामने आया है। नतीजिया के बोले अकाली दल दलजीत चीमा जी, आओ देखते हैं। तो अकाली दल जो है शुरू पे ग्राउंड पर मेहनत करता है, चाहे हम गवर्नमेंट में रहें चाहे अपोजिशन में रहें, हर वर्कर नीचे से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक हमारे मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने मेहनत की। बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस था, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो ही हमारी तरह मेहनत करते हैं। पब्लिक ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो कोई कारण नहीं है, बड़ी हम महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अकाली बसपा गठजोड़ सरकार बनेगा। सरकार जो है 59 के नीचे तो बन नहीं सकती, इससे ऊपर ही आएंगे, अपनी हमारी अलायंस की सरकार बनेगी, पूरा हम कॉन्फिडेंट हैं। और जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसके आधार के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि पूरे हम जो है आसानी से अपनी सरकार बनाएंगे। जो कारण है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरीके से अब ये काम चल पड़ा, क्योंकि मैं जो कल भी टीवी चैनल पे देख रहा था कि सट्टा मार्केट बहुत सक्रिय होगी, कि लोगों की सोच को बदला जा रहा है ताजो सट्टे वालों को फायदा हो, अगर ये बातें इस तरीके से हो रही हैं तो इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पहले क्रिकेट में तो हमने सुना था
कि सट्टा लगता है और सट्टे वाले जीतने के लिए प्लेयर्स तक को खरीदते हैं। अब यहाँ रिजल्ट जो है उल्टे दिखाए जाएं उसके लिए भी अगर ये चीजें यूज होनी शुरू हो गई हैं तो इसके ऊपर बड़ी जांच होनी चाहिए। कौन करे? ओके, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, उनके पास सभी एजेंसीज हैं कि ये कौन है जो ऐसे कर रहा है, लोगों की सोच को प्रभावित किया जा रहा है। अल्टीमेटली लॉस में तो लोग ही जाते हैं, चाहे ये इलीगल बिजनेस है, जुआ खेलना बुरी चीज है, लेकिन कुछ घर तो बर्बाद होते ही। अगर ये ऐसे होता है जिस तरीके से अब बातें बाहर निकल के आ रही हैं, तो फिर ये बहुत गंभीर मुद्दा पड़ जाता है। इस पे जो है देश की सरकार को सोचना चाहिए, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन भी है, सबको सोचना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब मालूम है कि 48 घंटे बाद रिजल्ट आना है तो इतना बड़ा ये अडंबर क्या ही क्यों जाता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? करना ही चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। पंजाब विधानसभा चोणां लई भलके चोण नतीजे आने वाले ने। इस विचाले भाजपा के जलंधर सेंट्रल दो उम्मीदवार मनोरंजन कालिया ने सारे एग्जिट पोलों नूं गलत दसदिया जित दा दावा किया है। तो जेकर गठजोड़ नूं बहुमत मिलता है तो भाजपा अपनी अलायंस पार्टी नाल पंजाब च सरकार बनाएगी। स्थिति ठीक हैगी है और एक जो नतीजे आने तो पहला उत्सुकता होंगी वो जरूर हैगी है, लेकिन मैं कहाँ कि भी खौफ है कि बनेगा की नहीं होएगा, वो बारे असं जरा है ना पूरी तरह आश्वस्त है। देखो इस तरह के भी लोगों के बीच विचर गए 5 साल और जो सत्ता के भी सके तो लोगों ने काम किए हैं। अज लोग जोड़े है केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के वोटर साहबान वो अच्छ कंपेरिजन करते हैं कि भी जो भारतीय जनता पार्टी रिप्रजेंटेशन थी उदो कि काम होए तो जो हम कांग्रेस रिप्रजेंट कर रही थी उदो कि काम होते जी जनता साढ़े नाल खड़ी, इसलिए जो है पूरा आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय विधानसभा जलंधर के जोड़ा है कमल खिलेगा। कि जब तक पंजाब के तलुक है सर्वे जरूर आए हैं, सर्वे के जोड़ा है वह भारतीय जनता पार्टी अलाइड पार्टी को गिनते नहीं है, लेकिन मैं जरा झात मारो जो पिछले सर्वेज होए है 2012 के सर्वे आया सी अपने कांग्रेस की सरकार जी है वह देंगे सके कल रिकॉर्ड होना थोड़े को भी थोड़े चैनल का भी रिकॉर्ड होना तो वो कांग्रेस की सरकार जा कर दी थी। आई सी अकाली भाजपा सरकार ने रिपीट किया 2017 के देखो कि आम आदमी पार्टी जोड़ा है ना जी सत्ता बिठाते थे, ठीक है, तो उदो आई अपना कांग्रेस सरकार तो हूँ ऐतकी फिर आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि ऐतकी बीजेपी और अलाइड पार्टी का। प्रीतपाल सिंह वलियेवाल का वड्डा दावा है, उसने विरोधी पार्टी ते निशाना साधते हुए कहा कि वड्डे झटके लिए तैयार रहो। बीते दिन फार्म हाउस कैप्टन ने पार्टी की प्रीतपाल सिंह वलियेवाल का विरोधी धिर ते निशाना साधते हुए उसने कहा कि वड्डे झटके लिए तैयार रहन। विजुअल कोई होर ही चल दे है। पंजाब चो नतीजा तो पहिया आपने सिस्मा फार्म हाउस से साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी की ते पार्टी ते कैप्टन ने गजल भी सुनाई जिसते पंजाब लोग कांग्रेस दे चीफ स्पोक्समैन प्रीतपाल सिंह वलियेवाल ने पार्टी च पहुंचे ते ट्वीट करके तंज कसिया ते इशारिया ही इशारिया विच कहा कि झटके लई तैयार रहन। समझ जाएंगे
चाहे कुछ भी हो, सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर नतीजियां तो पहला श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखवीर बादल श्री दरबार साहिब मत्था टेकन पहुंचे, जिस उपरंत सुखवीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने ओपिनियन पोल ते पाबंदी लाने की मांग की, नाल ही कहा कि सियासी पार्टियां मतदाता प्रभावित करने लई पैसे दे के अजिहे ओपिनियन पोल नू अपने पक्ष च करवाते हैं। इस तो इलावा यूक्रेन च फसे पंजाबी नौजवानों नू कढ़न नू लै के पंजाब सरकार ते गंभीरता ना वरतन दा दोष भी लाया है, ते पंजाब च अकाली बसपा गठजोड़ नाल सरकार बनाउन दा दावा किया है। क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, हुण भी लोकी कोई क्रेडिबल सोचते नहीं है, हुण इन्ना सीरियसली लैंदे नहीं है। ओरिजिनली पहले जब कई साल पहले जो होए सी उदों किरां किरां क्रेडिबिलिटी सोच रहे थे, बाद खत्म हो गई। नहीं हले 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 दसा श्रोमणी अकाली दल BSP अपने दम से सरकार बनाऊगी, साड़ी जो फीडबैक है बहुत वड्डी बहुमत नाल साड़ी ये साड़ी सरकार बनेगी। मैनू तो 16-17 प्लस लगदी है। कांग्रेस का कांग्रेस सफा है, मैं लगता कांग्रेस कांग्रेस की कांग्रेस की मैं लगता 20 सीटा तो घट होनगियां कांग्रेस दियां। लोड़ ही नहीं पैनी। मैं चन्नी साहब नूं बेनती करना है, वोटां पै गईआं, ड्रामे करने बंद करो, जिहड़ी जिहड़ा तुसीं काम करना है, एक दो दिन जिहड़े दुद्ध चोरे, मैं हुण जिहड़ा काम जिहड़ा कर लगे है, उन्होंने कहा वोटां पै गईआं, शायद उन्होंने पता ही नहीं वोटां पै गईआं, ते हुण तां कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना। जिहड़ी जिन भावें एक दिन दो दिन मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होंदी है, देखो मुख्यमंत्री की टीम अपनी पंजाब सरकार की टीम उत्थे होनी चाहीदी सी, एक डेलीगेशन उहदे देखिया होना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट पंजाब दे है, एक एडवांस डेलीगेशन ऑफिसर की आपां नूं जिन्हें नाल दी देश है यूक्रेन के नाल उत्थे भेजने चाहीदे सी, अपने लाइजन ऑफिसर जिहड़े उत्थे कोआर्डिनेट करन, पर इत्थे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कांग्रेस सी कांग्रेस हार मन के चुकी हार चुकी है, ते इस करके उन्हां दा इंटरेस्ट ही कोई नहीं रहा। नतीजियां तो पहला सुखबीर बादल ने श्री दरबार साहिब मत्था टेकिया, जिस उपरंत पत्रकारा नाल गलबात करदिया हरसिमरत बादल ने एग्जिट पोल बारे बोलदिया कहा कि इस बार दे एग्जिट पोल भी 2017 वर के बेकार एग्जिट पोल ने, ते नाल ही पंजाब च अकाली सरकार आउन दा दावा कीता है। TBMB च बाकड़ा च डैम दे उत्ते डाके मार रही है, वो केड़ा फर्ज हैगा जिहड़े इस सरकार ने पिछले 5 सालां च अपना फर्ज अदा किया, इन्ना वड्डा किसानी अंदोलन खड़ा हो गया क्योंकि इस सरकार ने पैरवाई नहीं की। सो भावें चन्नी होए, भावें कैप्टन होए, भावें सिद्धू होए, इन्हां नूं कुर्सी ताईं इन्हां दी सोच सीमित है, लोकां ताईं कदों इन्हां दी। चोणां दे नतीजियां तो पहलां बोले डॉक्टर करुणा एस राजू नतीजियां वाले दिन की सुरक्षा ते बोले, मुख चोण अफसर नतीजियां वाले दिन किते इंतजामां बारे भी दस्या। देखिए पोलिंग हो गया और उसके बाद असली इम्पोर्टेंट काम काउंटिंग करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना। माननीय इलेक्शन कमीशन काउंटिंग की शेड्यूल जारी कर दिया गया, 10 तारीख मार्च सवेरे 8 बजे से काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए हज़ारों अपने कर्मचारियां खास करके गजटेड ऑफिसर्स रैंक का ट्रेनिंग दी गई है, 3-4 राउंड्स का भी ट्रेनिंग दी गई है, 3-4 राउंड्स का। आज ड्राई रन चल रहा था एनकोर एप्लीकेशन पे, कैसे राउंड वाइज काउंटिंग होना है, क्योंकि हमारे तरफ से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, काउंटिंग बहुत ही सिस्टमेटिक काम है एंड प्रेसिशन इज़ द कीवर्ड है, और पेशेंस रख के टाइमली काउंटिंग करना, साथ में इंफॉर्मेशन पूरा मीडिया को देना है,
और लोगों की देना है, उसके लिए मीडिया सेंटर्स हमने बनाया है और एनक्वर के माध्यम से और अपना वोटर हेल्पलाइन है उसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन जैसे जैसे अप्रूवल देती रहते तुरंत डेटा लोगों के दिया जाएगा, रिजल्ट्स के डेटा मीडिया को दिया जाएगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट से जहाँ जहाँ हमारा काउंटिंग सेंटर्स है। उम्मीदवार ईवीएम मशीन विच उम्मीदवार की किस्मत कैद हो गई है तो अगले कल सवेरे 8 बजे देखो कौन उम्मीदवार जितता है तो पंजाब का सीएम अगला कौन बनता है। ईवीएम मशीन विच उम्मीदवार की किस्मत कैद हो गई है तो कल 8 बजे तो बाद ही काउंटिंग गिनती शुरू हो जाएगी जिस तो सीएम का पता चलेगा कि पंजाब का अगला सीएम कौन बनेगा। चोन अखाड़े च बड़े सियासी चेहरे ने चोन अखाड़े च वड्डे सियासी चेहरे सुखजिंदर रंधावा, बिक्रम मजिठिया, नवजोत सिद्धू अमृतसर ईस्ट, भगवंत मान धूरी, गनीव कौर मजीठा, सुखवीर बादल जलालाबाद, ईवीएम च उम्मीदवार की किस्मत कैद हो गई है तो भलके पंजाब की सत्ता का फैसला होगा। वोटा की गिनती सवेरे 8 बजे तो तैयारियां शुरू हो गई ने। विधानसभा 2000 चुनाव जोड़े है उन्होंने नतीजे कल आने वाले ने, तुम देख सकते हो इस समय तैयारियां तुम दिखा रहे हैं ये जिथे कि तैयारियां हो रही ने। कल जो रिजल्ट आना वो तैयारियां की तस्वीर दिखा देंगे। पहली तस्वीर ने जो देख सकते हो इंडिया न्यूज़ के उत्ते और तुसी देख सकते हो तस्वीर के विच तुसी इस समय जिहड़ी कि काउंटिंग जिहड़ी हैगी है कल होनी है उस वास्ते साडे नाल तहसीलदार साहब भी मौजूद ने। सर किस तरह दी तैयारियां जिहड़ियां ने कीतियां गईयां ने मुकम्मल? जगराओं 70 SC विधानसभा हलके मोहाली तो राघव चड्डा लाइव ने तो आओ सुनदे हां उन्हां दा की कहना है। अपनी पार्टी को वोट दिया है, एग्जिट पोल्स के नतीजे साफ दिखा रहे हैं कि ये लहर नहीं सुनामी है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की फुल मेजॉरिटी की थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रही है। बस परमात्मा अपनी कृपा अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें कि हम सब जिस ईमानदारी और जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चले थे उसी शक्ति के साथ चलते रहें और जो जो वादे हमने पंजाब के लोगों से किए हैं वो सब भगवंत मान साहब की सरकार वादे पूरे करेगी। कितनी आपने आपको सीटें दे रहे हैं आप? क्योंकि काफी ज्यादा कुछ कुछ दे रहा सीटें कुछ कुछ दे रहा, लेकिन आपका सर्वे अपना सर्वे देखिए अब तो 24 घंटे ही रह गए हैं, नतीजे आ ही जाएंगे, नतीजे पता लग जाएंगे। मुझे लगता है कल इस समय तक आप लोग ये बात कर रहे होंगे कि शपथ कहाँ होगी, शपथ कौन से दिन होंगी, मंत्री कौन कौन बनेंगे, आंकड़े भी आपको पता लग ही जाएंगे। अब तो इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने को हैं। लेकिन एक चीज ये चुनाव जरूर बताता है दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय राजनीतिक फोर्स बन के उभरी है, एक नेशनल पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, जब बीजेपी बनी थी, बीजेपी को जनसंघ की बैकिंग थी, जनसंघ का एक लंबा इतिहास रहा, संगठन रहा, उनकी एक अपनी राजनीतिक फोर्स थी, ताकत थी, उस ताकत के बलबूते बीजेपी का जन्म हुआ। फिर भी बीजेपी को अपना पहला राज्य जीतने में, पहला राज्य सरकार बनाने में 10 साल लग गए। अभी तो आम आदमी पार्टी 10 साल की भी नहीं हुई और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज ये नजर आता है कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल फोर्स बन गई है, आज एक नेशनल पार्टी बन गई है। और मेरा अपना ये मानना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी। आपने बोला 2024 में क्या हम देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक सीएम, सॉरी पीएम के लिए चेहरा होंगे? देखिए
झरवार पंजाब से, मेरी और देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल। देश की मैं आज के समय कहूं कि इस अंधकार के काल में एक दिए का काम है अरविंद केजरीवाल, एक दिए की होप की एक वो ऊर्जा जो है, रोशनी जो है, उस रोशनी का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो भगवान ने चाहा और लोगों ने मौका दिया तो ज़रूर अरविंद केजरीवाल जी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द बड़े रोल में, प्रधानमंत्री के रोल में हम उन्हें देखें और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे। और जो हॉस्पिटल, स्कूल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो बुनियादी सुविधाओं में आम आदमी पार्टी ने बेसिक अमेनिटीज का काम दिल्ली में किया है, वो काम देश भर में हमारी सरकार करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, पंजाब हमेशा से ही एक ऐसी क्रांतिकारी भूमि रही है कि यहाँ पर जो लोगों का आशीर्वाद पा लेता है, यहाँ पे जिसको संगत का आशीर्वाद मिल जाता है, फिर वो हर मैदान फतेह कर सकता है। तो मुझे लगता है कि पंजाब की लोगों ने जो विश्वास दिया है, उससे आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। एक दिल्ली में रामसीडी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, किस तरह से देखते हैं बीजेपी वहां पे है? और देखिए, एमसीडी का मतलब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन ने एमसीडी की डेफिनेशन मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कर दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से। सबसे भ्रष्ट विभाग है, इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार दुनिया के किसी विभाग में नहीं हुआ जितना 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में किया है। आज दिल्ली में स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के अपने नेता भी, कांग्रेस के अपने लीडर्स भी ये बात कहते हैं कि इस बार तो हमने एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना है। जैसे हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई राज्य में, वैसे ही नगर निगम में, एमसीडी में भी हम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए साफ है कि आम आदमी पार्टी 3/4 मेजोरिटी के साथ एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। अगर देखा जाए तो बाकी राज्यों में भी है, यूपी बहुत बड़ा है, क्या समझते हैं कि बीजेपी जो पावर पूरी बन के आई हुई है, ये कैसा रहेगा? देखिए, बीजेपी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स इसलिए बन पाई क्योंकि बीजेपी का कोई चैलेंजर ही नहीं था। उनकी ऑपोजिशन ने, और खास करके प्रिंसिपल ऑपोजिशन जिसे कहते हैं कांग्रेस पार्टी, उसने मैदान खाली छोड़ दिया। तो बीजेपी के लोग अश्वमेध के घोड़े की तरह दौड़ते रहे और मैदान कैप्चर करते रहे, कोई चैलेंजर नहीं था। इसीलिए आज पंजाब के नतीजे ये साबित कर देते हैं कि अगर कोई सही मायने में मुद्दों पे, जात धर्म की बांटने वाली राजनीति नहीं, मुद्दों की, काम की राजनीति कर अगर कोई शख्स है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसीलिए मेरा अपना यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी 2024 में भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बनके उभरेंगे। ऐसी हुण तक दियां खबरां, जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल।